जाए वो भी जी आप तो भाई लाल लाल यार रेगुलेशन में देते हैं नहीं ना सारे आदमी तो घूमते तो अभी हम मंदिर से वापस आ गए हैं पूजा करके, और मैंने आपको दिखाया कि शिव मंदिर हम गए थे और वहाँ पे हमने पूजा की और वहाँ के कुछ नज़ारे मैंने आपको दिखाए। और अब हम बनाएंगे महादेव। मिट्टी से हम भगवान शिव, पार्वती और गणेश भगवान की हम मूर्तियाँ बनाते हैं, प्रतिमा बनाते हैं, तो हम वो बनाएंगे। उसके बाद हम कचौरी बनाएंगे, जो हमारे यहाँ पर डिश बनती है, जो हम शाम को कचौरी बनाएंगे, वो सब मैं आपको दिखाऊँगा। तो बने रही वीडियो में इसी तरह। तो अभी हम बना लेते हैं महादेव मिट्टी से। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से महादेव को बनाते हैं। तो हमने महादेव भी बना लिए हैं और अब हम शाम को बनाएंगे कचौरू। और कचौरू हमारी पहाड़ी डिश है, तो मैं वो सब भी आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद हम पूजा भी करेंगे, तो पूजा भी मैं आपको दिखाऊंगा पूजा करते हुए। उसके बाद करूंगा वीडियो का एंड। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अभी कचौरू बनाने की तैयारी हो चुकी है, कचौरू बनाने स्टार्ट हो गए हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने कढ़ाई रख ली है कचौरी बनाने के लिए, और ये देखिए। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो रोट हमने बनाया है, इसे हम पूजा में यूज करेंगे, पूजा के लिए। और यहाँ पे जो बन रहे हैं ये भी पूजा के लिए ही बनाए जा रहे हैं। तो अभी बन रहा है चंदुआ, इसे भी हम पूजा में यूज करेंगे। चंदुआ बन करके हो गया है तैयार, ये देखिए कुछ इस तरह से चंदुआ बनाया जाता है। सबसे लास्ट में नींबू है और बीच में जो आपको दिखाया था तल करके बनाए गए हैं। हमने पूजा भी कर ली है, आपको मैंने दिखाया पूजा करते हुए। तो इस तरह से हमारे पहाड़ों में पूजा की जाती है शिवरात्रि के टाइम, शिवरात्रि के दिन। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, और उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच आज की वीडियो को इस तरह से देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।